वैसे हिंदू शास्त्रों में भी मृत्यु के बाद ही नरक या फिर स्वर्ग के मिलने का उल्लेख मिलता है। अगर मनुष्य ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है, और अगर कर्म बुरे हो तो नरक मिलना तय है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही आत्मा के साथ व्यवहार किया जाता है, और उसने कैसे कर्म किए हैं इसी पर स्वर्ग और नरक की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले उन बुरे कर्मों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें करने से हमें मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भवती स्त्री, भ्रूण और नवजात की हत्या करने वालों को नरक में जगह मिलती ही है। इसके अलावा जो पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करता है, मदिरा पान और मांस खाता है, उसे भी मरने के बाद नरक जाना पड़ता है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि लाचारी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नरक में अवश्य जाते ही हैं। मान्यता के अनुसार गरीब, बीमार, असहाय, अनाथ और बुजुर्गों को कष्ट देने वाले लोगों की मरने के बाद बहुत बुरी स्थिति होती है, और उन्हें नरक में यमदूतों द्वारा बहुत कष्ट दिया जाता है। पितरों का श्राद्ध न करने वाले लोगों को भी नरक में ही जगह मिलती है। इतना ही नहीं, जो दूसरों के पैसों पर नजर रखता है उन्हें भी नरक नसीब होता है। तो चलिए मित्रों, अब उन कुछ कर्मों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें करने से आप नरक जाने से खुद को बचा सकते हैं। रामचरितमानस का पाठ। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को रामचरितमानस का नियमित पाठ करना चाहिए। इसका पाठ मृत्यु के समय होने वाले कष्टों को भी कम कर देता है, और भगवान विष्णु के रामावतार की कहानी से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस की चौपाइयां सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के मरने के बाद भव सागर से पार कराने वाली नैया का काम करती है, जिसे नियमित पढ़ने से मनुष्य को स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ। मित्रों, रामचरितमानस के अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का भी नियमित पाठ करने से व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है, और वो स्वर्ग में उच्च स्थान को प्राप्त होता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्ति पाता है। मित्रों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति तो दिलाता ही है, साथ ही ये नरक से भी मुक्ति का द्वार है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से हर हिंदू को करना चाहिए। एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, और गरुड़ पुराण में भी ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करता है और सच्चे मन से भगवान की उपासना करता है, तो वो जीवन मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गंगा जल का जलपान। मित्रों, गरुड़ पुराण में ये भी वर्णित है कि हर रोज गंगा जल और तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। ये दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इनके सेवन से मनुष्य का मन पाप कर्मों से हटता है, और जीवन में सकारात्मक भाव का संचार होता है। बता दूं कि इन दोनों को ही मुक्तिदायिनी कहा गया है, इसीलिए अंत समय में भी व्यक्ति के मुंह में गंगा जल और तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्रत। मित्रों, नरक से बचने के लिए व्रत का भी खास महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक शिव चतुर्दशी, प्रदोष और एकादशी का व्रत रखने वाला नरक की यातनाएं झेलने से बच सकता है। कहा यह भी जाता है कि जो नियमित रूप से व्रत और पूजा पाठ करता है उसे जीवन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। पौधे लगाना। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पीपल, नीम, आंवला, आम और इमली इत्यादि के पौधे लगाता है, उसके लिए नरक जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके अलावा हमारे धर्म में बरगद, अशोक और तुलसी का पौधा लगाना भी पुण्य की श्रेणी में रखा गया है। गंगा स्नान। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में गंगा स्नान को एक विशेष महत्व दिया गया है, और गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जो भी शख्स नियमित और विशेष मुहूर्त में गंगा स्नान करता है उसके लिए नरक के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से इंसान नरक जाने से बच जाता है। महिलाओं का सम्मान। और मित्रों, अब अंतिम बात,
गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मनुष्य को सदैव अपने जीवन में जागरूक रहकर काम करना चाहिए, साथ ही पांचों इंद्रियों पर भी काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की सभी महिलाओं को माता, बहन और पुत्री की नजर से देखता है, सभी महिलाओं का सम्मान करता है, ऐसा करके वो अपने लिए स्वर्ग के रास्ते खोल रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग दूसरों की सुविधा के लिए कुआं, तालाब और प्याऊ का इंतजाम करते हैं और नियमित दान पुण्य करते हैं, उन्हें भी स्वर्ग ही मिलता है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णित नरक के दरवाजे बंद करने के ये उपाय आपको कैसे लगे, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें।